हेलो स्टूडेंट, आपने पिछले लेक्चर में रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एनएरोबिक, ये पढ़ा था, की इक्वेशन पढ़ी थी, रिएक्शन पढ़ी थी। अब आप तो पढ़ोगे कि कब रेस्पिरेशन डिफरेंट एनिमल में, प्लांट में कैसे होता है। सबसे पहले अगर बात करते हैं अमीबा की, इसमें रेस्पिरेशन इन अमीबा, रेस्पिरेशन इन अमीबा, रेस्पिरेशन इन अमीबा कैसे होता है, तो अमीबा की बात करते हैं। अमीबा जो होता है आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता, कैसा यूनिसेलुलर, इनमें जो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, किस द्वारा, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, बाय सेल मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन से होता है। कुछ कहते हैं कैसे होता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या, किस द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, यहां लिख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है, वो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड या बोल सकते हैं ऑक्सीजन को अंदर लेता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, और सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही वो बाहर रिलीज कर देता है। अगर बात की जाती है इन अमीबा के बाद इन अर्थवर्म, अर्थवर्म में जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है मोस्ट स्किन के द्वारा, किसके द्वारा, मोस्ट स्किन के द्वारा। कुछ कहता है किसके द्वारा होता है, मोस्ट स्किन के द्वारा, इज दैट क्लियर, अर्थवर्म में किसके द्वारा होता है, मोस्ट स्किन के द्वारा। अगर पूछा जाता है आपसे इन इंसेक्ट, पूछा जाता है इन इंसेक्ट कैसे होता है, स्पाइरेटिस, स्पाइरेटिस होती है, क्या होती है, वो एक बोल सकते हैं बाइनरी ट्यूबल्स होती है, या बोल सकते हैं ट्रैकियल सिस्टम जो उसके हर सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। ट्रैकियल सिस्टम जो होता है हर जो होती है हर सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, बोल सकते हैं। आपने देखा होगा कॉकरोच जो होता है विदाउट फूल, विदाउट, या हम उसकी गर्दन तोड़ देते हैं तो वो फिर खत्म कर देते हैं, तो वो क्या होता है गर्दन से ऊपर तोड़ देते हैं तो क्या देखने मिलता है, वो फिर भी कुछ टाइम तक जीवित रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि वो जो रेस्पिरेशन करता है वो स्पाइरल स्पेक्ट्रल सिस्टम के द्वारा करता है, जो उसकी बॉडी के हर सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, इज दैट क्लियर। इसके बाद आता है इंसेक्ट के बाद आता है दिस इज सॉरी फ्रॉग में देखने में कैसे मिलता है, फ्रॉग में बता सकते हैं, फ्रॉग में कैसे देखने मिलता है, फ्रॉग में देखने मिलता है आपको स्किन के द्वारा, और किसके द्वारा देखने मिलता है, एंड लंग्स के द्वारा। आपको पता है लंग्स के द्वारा काम मैंने भी करता है, और स्किन के द्वारा वाटर में देखने मिलता है, स्किन के द्वारा वाटर में और लंग्स के द्वारा लैंड में। इसके बाद अगर बात करती है इसकी आपकी, ये हो गया फ्रॉग हो गया। इसके बाद आता है आपका फिशेस, फिशेस में कहाँ देखने मिलता है, फिशेस में जो देखने मिलता है वो गिल्स के द्वारा देखने मिलता है। गिल्स से क्या करता है वो, फिशेस जो होती है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को उस वाटर में से इनटेक कर लेती है, बाई गिल्स, गिल्स जो होती है डिजॉल्व ऑक्सीजन को वाटर से ले लेती है, यूज कर लेती है। इसके बाद कुछ आता है प्लांट में कैसे होता है, प्लांट में जो होता है बाई लीव्स होता है, कैसा होता है बाई लीव्स देखने मिलता है। लीव्स में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, उस स्टोमेटा के पोर होते हैं, क्या होते हैं, पोर होते हैं, क्या होते हैं, पोर होते हैं, उन पोर से क्या होता है ऑक्सीजन एंड क्या कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक और आउट रिलीज होना है। अगर वो अंदर लेगा बाय डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, प्लांट जो होगा बाय डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा स्टोमेटा से ऑक्सीजन को इनटेक करेगा और रिलीज क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, किससे, स्टोमेटा से, इज दैट क्लियर। ये होता है प्लांट में, क्लियर। इसके बाद देखते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको नोट कर लेना आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इज दैट क्लियर। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है देखते हैं अभी हम, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, याद रखना आपको ह्यूमन बींग्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है। सबसे पहले बात करते हैं उसमें दो बोल सकते हैं नॉस्ट्रल होते हैं, पीयर में क्या होते हैं, पीयर में नॉस्ट्रल होते हैं, और उधर जो होते हैं नेसल चैम्बर, अंदर क्या होते हैं नेसल चैम्बर, याद रखना आपको क्या होता है नेसल चैम्बर, और बाहर की तरफ क्या होते हैं नॉस्ट्रल, और नॉस्ट्रल की जो इनर लाइनिंग होती है, नॉस्ट्रल मतलब नोज, नोज से इनटेक ऑफ गैसेस होता है, गैस को अंदर लिया जाता है। अब गैस को अंदर कैसे लिया जाता है आपको ये पता है, जब एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है ज्यादा होता है और पल्मोनरी प्रेशर मतलब हमारे लंग्स का प्रेशर जो होता है कम होता है, तब हम सांस कम अंदर लेते हैं, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो मतलब कि एटमोस्फेरिक कम प्रेशर कम है और क्या होता है पल्मोनरी प्रेशर तब ज्यादा होता है। पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा हो, एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो तो हम सांस बाहर निकालेंगे, और जब एटमोस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है और पल्मोनरी प्रेशर कम होता है तो हम सांस क्या करेंगे अंदर लेंगे। पल्मोनरी प्रेशर अंदर जब कम होगा तो सीधी सी बात है अपने आप सांस अंदर लेंगे। नॉस्ट्रिल में जो इनर लाइनिंग होती है उधर एयर प्रेजेंट होता है, इनर लाइनिंग पे क्या होता है, इनर लाइनिंग पे आपको देखने मिलेंगे
हियर एंड म्यूकस। हियर एंड म्यूकस जानते हो आप लोग, जो क्या करते हैं, हियर एंड म्यूकस जो होता है वो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को प्रिवेंट कर देता है, प्रिवेंट करता है, जर्म्स को प्रिवेंट करता है, जिसके कारण हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो उसमें जर्म्स या माइक्रोब्स जो होते हैं वो अंदर तक नहीं जा पाते हैं। रेस्पिरेशन जब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्यों, क्योंकि उधर जो होते हैं हियर एंड म्यूकस होता है जो प्रोटेक्ट करके रखता है, प्रिवेंट करता है डस्ट पार्टिकल से और माइक्रोब्स। इसके बाद ऑक्सीजन के बाद नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर जो होता है गैस, तो उस टाइम हम बोलते टाइम हमारी गैस जो बाहर आती है वो एयर जो होती है वो हमारे लंग्स को वाइब्रेट करती है, क्या करती है, लंग्स को वाइब्रेट करती है, जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। इसके बाद आता है वो, अब उसके बाद जो और डिटेल में पढ़ाएंगे वो आपको डायरेक्शन गैस कैसे होता है वो आप 11th क्लास में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। इसके बाद जो आपके एनसीईआरटी बेसिस में 10th में उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। इसके बाद आता है आपका ट्रेकिया। ट्रेकिया जो होता है, ये ट्रेकिया पे क्या होती है, कार्टिलेज का स्लिंग होती है, क्या होती है, कार्टिलेज का स्लिंग, क्लियर है। ट्रेकिया पे क्या होती है, कार्टिलेज का स्लिंग होती है, उनको बोलते हैं कार्टिलेज का स्लिंग। कार्टिलेज का स्लिंग जो होती है वो क्या करती है, सपोर्ट करती है, क्या करती है, सपोर्ट करती है किसको, ट्रेकिया को, और किसको, प्रिवेंट द कोलैप्स, किसको, ऑफ ट्रेकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज का स्लिंग होते हैं, ट्रेकिया को सपोर्ट करती है। इसमें ये जो होती है कार्ट, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ट्रेकिया, क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। ट्रेकिया को कॉमन बोल सकते हैं विंड पाइप, क्या बोलते हैं, विंड पाइप, इज दैट क्लियर, इसको हम विंड पाइप भी बोल देते हैं। अब विंड पाइप जो होती है, रंग होती है नीचे का पार्ट में, और दो पार्ट को क्या बोलते हैं, आपको पता है ब्रोंकी, क्या बोलते हैं, ब्रोंकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, ब्रोंकी, क्लियर है, इसको हम ब्रोंकी बोलते हैं, इनको बोलाता है, अगर बोल देते हैं हम ब्रोंकी, इफेक्ट क्लियर, जो हो गया आपकी ब्रोंकी क्लियर। इसको थोड़ा पीछे लिख देते हैं, ट्रेकिया ब्रोंकी हो गए। इन ब्रोंकी से छोटी छोटी माइनर ट्यूबल निकली होती है, क्या निकली होती है, माइनर ट्यूबल, उन ट्यूबल्स को क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स, क्या बोलते हैं हम, ब्रोंकियोल्स, याद रखना आपको कैसे, क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल, क्लियर है ना, इनको छोटे छोटे, अब ये जो छोटी छोटी ट्यूब निकली होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स, मैंने भी बताया था, इन्हें बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, क्लियर। जो माइनर ट्यूबल होती है उनको ब्रोंकियोल्स बोलाता है। इसे जो माइनर ट्यूबल्स होती है ब्रोंकियोल्स जो बोलाता है, इनमें एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, एयर सैक, क्लियर, इन पर एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, एयर सैक। इन एयर सैक का नाम पता है आपको, एलवीआई, पढ़ा होगा आपने एलवीआई क्या होता है, एलवीआई जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, कहां पर, क्लियर है। इस तरीके से आपके लंग्स होते हैं, इस तरीके से लंग्स बने हुए होते हैं, इज दैट क्लियर, इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है लंग्स की, क्लियर है ना, ये लंग्स की स्ट्रक्चर है। लंग्स में ये क्या है, एयर सैक, एलवीआई, क्या बोलते हैं, एलवीआई, एलवीआई का फंक्शन आपको पता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या है एलवीआई का फंक्शन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एयर नॉस्टिल से उद्धू के अंदर आई, नेसल चैम्बर में, नेसल चैम्बर से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से क्या होगा, ब्रोंकी जाएगी, ब्रोंकी मतलब कि दोनों ट्यूब जो होती है और इनमें आ जाने से क्या ब्रोंकियोल्स होती है, और उन ब्रोंकियोल्स से छोटे छोटे एयर सैक प्रेजेंट होते हैं एलवीआई, वहां तक कैसे, इस तरीके से एयर जो होती है ऑक्सीजन जाती है, एलवीआई क्या करती है, ब्लड से साथ डिफ्यूजन करती है, और वो डिफ्यूजन करके क्या होती है, उस ब्लड से CO2 लेती है और ब्लड को O2 देती है, क्या देती है, CO2 लेती है और O2 देती है, किसको, ब्लड में रिलीज करती है। और ये एलवीआई कहां पर प्रेजेंट होती है, जहां पर ब्लड कैपिलरी जो होती है वो ओपन हो जाती है, वहां पर ये एलवीआई प्रेजेंट होती है। अब आपको एक चीज और देखते हैं, इसके ऊपर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, एक मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन को जानते हो क्या बोलते हैं, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन, उसको क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन को,
प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन, और क्या बोलेंगे, प्लूरल मेम्ब्रेन। इज दैट क्लियर, प्लूरल मेम्ब्रेन हो गया आपका, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। इस प्लूरल मेम्ब्रेन में प्लूरल फ्लूइड होता है, क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड बता सकते हैं इसमें क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है, क्या भरा हुआ होता है, प्लूरल फ्लूइड। क्लियर है ना, इस तरीके से इस मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है। और प्लूरल फ्लूइड जो होता है, ये याद रखना आपको, प्लूरल फ्लूइड जो होता है इसमें ये इसके बीच में पाया जाता है, प्लूरल मेम्ब्रेन के प्लूरा के बीच में पाया जाता है। ये दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर आउटर मतलब पेरिएटल मेम्ब्रेन होती है, इनर जो होती है उसे क्या बोलते हैं हम, विसरल मेम्ब्रेन। ये फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करके रखती है, क्या करके रखती है, प्रोटेक्ट, कहां से ये मेम्ब्रेन जो होती है, फंक्शन पूछ गया था क्या, फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द लंग्स, कहां से लंग्स को कैसे प्रोटेक्ट करती है, फ्रॉम द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो होता है हमारे लंग्स के साथ, अगर ये प्लूरल फ्लूइड नहीं होगा या प्लूरल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो लंग्स होंगे किसके साथ फ्रिक्शन करने लगेंगे, लंग्स के साथ, बार बार सांस लेते हैं छोटे तो फ्रिक्शन बन जाएगा जिसके कारण रक्षा हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है लंग्स, उसको प्रोटेक्ट कर सकती है शॉक से मतलब चोट से बचाती है, और मोस्ट कंटेंट कर करती है जिसके कारण हमारे लंग्स को रक्षा ना हो। इस तरीके से इसके फंक्शन होते हैं, मॉइस्चर कंटेंट करके रखना लंग्स में और प्रोटेक्ट करना शॉक से और फ्रिक्शन लेस बनाना जिसके कारण हमारे लंग्स होते हैं प्रोटेक्ट होते रहते हैं। इस दैट क्लियर, ये तो हो गया आपका फंक्शन प्लूरल मेम्ब्रेन का। इसके नीचे जो होती है एक मेम्ब्रेन होती है, सॉरी नीचे जगह होती है डोम से, उस डोम से को क्या बोलते हैं हम, डायफ्राम, क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं, डायफ्राम जो डोम शेप में होता है, ऐसे शेप में, इस तरीके से डोम शेप में होता है। जब हम सांस लेते हैं इनहेलेशन, सांस लेने क्या होती है इनहेलेशन, जब हम इनहेलेशन करते हैं तो एयर अंदर जाती है, तो डोम शेप जो होती है डायफ्राम नीचे की तरफ खिसक जाते हैं और हमारी रिब्स जो होती है वो लिफ्ट अप हो जाती है, लंग्स जो होते हैं वो बैलून की तरफ फूल जाते हैं जब हम सांस लेते हैं, और लंग्स जो हमारी रिब्स की जो मसल्स होती है बीच में, रिब्स के बीच में कौन सी मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स होती है, क्या होती है, इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है जब हम इनहेलेशन करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। क्लियर, इंटरकोस्टल मसल्स इनहेलेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, रिब्स जो होती है लिफ्ट अप हो जाती है, डायफ्राम जो होता है नीचे की तरफ खिसक जाता है। क्लियर है, अगर जब हम एक्सहेलेशन करते हैं सांस छोड़ते हैं तो क्या देखने मिलता है, ये इंटरकोस्टल मसल जो होती है रिलैक्स पोजीशन पर आ जाती है, डोम शेप जो होता है डायफ्राम को दोबारा से ऊपर की तरफ आ जाता है, जो हमारी रिब्स जो होती है लिफ्ट अप हुई होती है वो डाउन हो जाती है नीचे की तरफ चली जाती है, और जो हमारे लंग्स है वो क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। इनहेलेशन सांस में कैसे कैसे आप फिजिकली देख सकते हैं अपने आप में करके कैसे कैसे होता है, जब इनहेलेशन करते हैं ऑक्सीजन जाती है और एक्सहेलेशन से CO2 बाहर आती है, अगर जब इनहेलेशन करते हैं सांस अंदर लेते हैं तो पल्मोनरी प्रेशर तब ज्यादा होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है, पल्मोनरी प्रेशर कम होता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होता है। इस तरीके से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक बार नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल में क्या होता है, एयर एंड ये सब चीज प्रेजेंट होती है, म्यूकस प्रेजेंट होता है जो प्रोटेक्ट करके रखता है, जर्म्स और डस्ट पार्टिकल को फिल्टरिंग करता है जिसके कारण जैसे एयर अंदर जाती है नॉस्ट्रिल के चैंबर से होती है लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद कार्टिलेजनस स्लिंग के सॉरी ट्रेकिया, ट्रेकिया बन जाता है लैरिंग्स और ट्रेकिया, ट्रेकिया जो होती है विंड पाइप होती है, इसके साथ ये जो होती है क्या ब्रोंकी में चला जाता है, ब्रोंकी में जो छोटी छोटी माइनर ट्यूबल्स होती है ब्रांकियल्स में एयर पहुंच जाती है, और ब्रांकियल्स से क्या अटैच होती है एल्वोलाई, एल्वोलाई में क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इस तरीके से क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है, और मैंने आपको प्रोसेस बता दी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ोगे, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे आप सर्कुलेटरी या ट्रांसपोर्ट इन एनिमल और प्लांट्स। क्लियर है, कंप्लीट होता है।